मारवाड़ केसरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल शेषमा का पास कुचामन सिटी से खबर है, जहां पर 10 दिवसीय संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर कोरोना गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए आयोजित किया गया। बता दें, शिविर के अंतिम दिवस एनसीसी कैडेट्स ने चितावे थाने का भ्रमण किया। शिविर में थ्री राज गर्ल्स बटालियन की 76 कैडेट्स को हवलदार जाबर सिंह व संस्था की लेफ्टिनेंट डॉक्टर सावित्री चौधरी द्वारा पिछले 10 दिनों तक प्रशिक्षण दिया गया था। कैंप के अंतर्गत कैडेट्स को ड्रिल, मैप रीडिंग, फील्ड क्रॉफ्ट, बैटल क्रॉफ्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट, साथ ही लीडरशिप व सबमिलिटी, मिलिट्री का इतिहास, वेपन ट्रेनिंग, अनुशासन, योग, प्राणायाम के साथ ही हेल्थ और हाइजीन विषयों का प्रशिक्षण दिया गया। शिविर में इससे पूर्व स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में भी आयोजित कार्यक्रम में कई जनप्रतिनिधियों ने उनका हौसला अफजाई की। बता दें, कैडेट्स ने चितावा थाने का भ्रमण किया, जहां पर हेड कांस्टेबल छोटूराम व शिवपाल बचाने थाने में मालखाना बौद्ध पुरुष बंदीगृह, महिला बंदीगृह, गृह हवालात, खाने बनाने का मेस, कंट्रोल रूम आदि का भ्रमण करवाकर हथियारों के बारे में अहम जानकारी दी। साथ ही महिला अत्याचार को लेकर टोल फ्री नंबर 1090 की भी सभी कैडेट्स को यहाँ पर अहम जानकारी दी गई। इस मौके पर यहाँ पर यातायात नियमों में FIR दर्ज करने की जानकारी भी उनको दी गई। बता दें, शिविर के अंतिम दिवस इस मौके पर संस्था के निदेशक रामेश लाल मावलिया, संचालक महेंद्र मावलिया, थ्री राज गर्ल्स बटालियन की 76 कैडेट्स हवलदार जाबर सिंह व संस्था के लेफ्टिनेंट डॉक्टर सावित्री चौधरी, शिक्षक बजरंग लाल सहित गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। जैसे आप वहाँ आओगे आर्ट ग्रेड के लिए, ये इसका पूरा क्या नाम जैसे मैंने लिखा था ना, असला इसकी ये मैगजीन है, और ये मैगजीन ऐसे उतरती, कभी अब दोबारा क्लास आएंगे अगर यहीं से अगर ले लेंगे, अगर खानदार साहब से पूछ पाछ के तो आपके बारे में इसके बारे में बताएंगे। इससे जो सलामी सच देते हैं वो भी आपको जो अभी नहीं आएगा, आप इसी सर्टिफिकेट के दौरान आएगा तो हम उसके बारे में बताएंगे कि कैसे सलामी दी जाती है राइफल के साथ में, हथियार के साथ में। ये क्या है और ये जो सैम हिस्सोपुरजों के नाम जो मैंने बताए थे तुम्हें, उसी हिसाब से इसके भी हिस्सोपुरजों के सैम वही नाम है, जहाँ ये मसल है, ये कुतर है, कितनी है इसकी 7.62, और इसका वजन में उसके वजन में बहुत फर्क है। ठीक है, उठा के देखेगा बेटा। अब इसको इसके साथ में फिर वो रात पत्र जो आर्ट ट्रेड करते हैं ना, वो इसे हाथ में लेके और इसके साथ में ट्रेड करते हैं, वो भी 14 किलोमीटर राजपथ के ऊपर। तो ये उसका एक हाथ में ड्रिल होती है, इसके हाथ में साथ में ये रहता है, और इसके साथ में जब सलामी सच देते हैं वो आपके सी सर्टिफिकेट से जब नेक्स्ट कैंप लगेगा उसमें आपको वैरायटी के साथ में फिर हथियार के साथ ड्रिल करना, सलामी सच कैसे दी जाती है, कैसे बाजू सच होती है, कैसे भूमि सच होती है, वो सब आपको सिखाएंगे। अभी आपको दिखा दी गई है इसमें आने का फायदा, यहाँ पुलिस थाने में आने का, कि आपने SLR राइफल कैसी होती है ये आपने देख ली, इसका खोलने का तोड़ने का जो भी है वो आपको कैंप के दौरान बाद में सिखाएंगे। ठीक है, इसमें कितना फर्क होता है, ये सिर्फ अपना बेसिक ट्रेनिंग के लिए होती है। ये हम जहाँ पहले ही अगर जैसे युद्ध के दौरान हम इसको दुश्मन के खिलाफ इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ये सिर्फ ट्रेनिंग में जो आप कैडेट हैं उनको सिखाने के लिए है। ये हथियार मान ही जाता है ऑर्डर पे कहीं, इसको ये सिर्फ आपको सिखाने के लिए होता है। इसका 6.22 इसकी नाम है, इसका 6.22 राइफल बहुत छोटा सा राउंड आता है इसका। इसमें लगता कितना है और उधर 12 होगा इसके बारे में मेरे को ज्यादा पता नहीं। जीतू जी, इसको आप कुछ पता है मेरे को, इसको क्या बोलते हैं, इसके पूरे को क्या बोलते हैं, राउंड, और इसका जो ये आगे वाला हिस्सा उसको क्या बोलते हैं, बोल्ट।
बुलेट बुलेट बोलते हैं जिसको, बोल्ट नहीं बुलेट, यही लगता है। ये वाला पीछे वाला कोका है ना, ये एडजस्ट हो जाता है बाहर जब फायर करते हैं अपन, ट्रिगर दबाते हैं तो जब ये वाला जो बुलेट होता है वो चैम्बर के अंदर जब तक टारगेट तक जाता है, ये दुश्मन के अंदर लगता है, तो ये सिर्फ बुलेट लगता है, इतना सा होता है, इतना सा कुछ। और जब ये अंदर पहुंचता है ना, जब पीछे जाते हैं ऐसे किसी रफ्तार से, जिस मेजरमेंट शूट बताई थी ना 2700 पर मिनट, 2700 मीटर पर मिनट, तो ये बुलेट वहां जाके लगता है टारगेट के अंदर, इतना ही निकलता है, ये पूरा नहीं घुसता कहीं, आप सोचो कि ये पूरा ही जाता हो, ये सिर्फ इसके अंदर बारूद होता है, इसके ऊपर चोट लगती है ये राउंड के फेंदे पे, ये जो फायरिंग पिन बताई थी ना मैंने, yes, वो फायरिंग पिन यहाँ सिर्फ वो मारती चोट, जब ट्रिगर अपन करते हैं तो फायरिंग पिन यहाँ चोट मारती है, उसके बाद में ये बुलेट वहां से बैरल से निकलता हुआ टारगेट तक पहुंचता है, ठीक है। yes, तो कहीं आप सोचो कि इतना बड़ा होता है, ये पूरा ही जाता है, पूरा नहीं जाता, ये पीछे वाला जो इसका बाप को ब्रास वाला दिखता है ना, ये पूरा वापस खोखा बोलते हैं इसको, जब वापस ही आ जाता है। ये देखो 12 बोर होते हैं, सिपाही हैदराबाद ने देखिए, इसका काम है घायल करना किसी को, अगर ये देखो अपराधी भाग रहा है तो इससे क्या आदमी मरता नहीं है, इसके ये तो राउंड है, रबड़ बुलेट है, इसमें रबड़ बुलेट डलते हैं, ये रबड़ बुलेट है, तो इससे क्या अपन किसी को घायल कर सकते हैं, यदि कोई अपराधी भाग रहा है तो उसके क्या है फायर करके वो घायल हो जाता है, तो क्या उसे पकड़ सकते हैं, अगर वो चेतावनी देने के बाद में नहीं रुकता है तो अपन उसको इससे घायल करके उसको पकड़ सकते हैं, अगर वो जो है SLR है, अगर वो फायर होती है तो उसके बचने का चांस ही नहीं है, ठीक है। यस सर। ये अपने फौज के अंदर नहीं, ये पुलिस विभाग के पास में है, फौज के अंदर ये 12 बोर नहीं है, SLR थी पहले, SLR भी पुलिस को दे दी है, हम सिर्फ ड्रिल और उसके इस्तेमाल के लिए करते हैं उसको। बस इसमें क्या है, चार डलते हैं, यहाँ डल जाते हैं दबाने से, ये कौन सी थी हिंदी में बोलेंगे तो सस्ता। जो सामने लगा है उसको बोला, यहाँ पर तो मैं बोलते हैं, उसको बोलते हैं। आज के स्टूडेंटों ने भ्रमण किया और उनको थाने के बारे में, महिलाओं हो रहे अपराधों के बारे में जानकारी दी गई, यातायात के बारे में जानकारी दी गई, महिलाओं के प्रति क्या क्या हेल्पलाइन है, जैसे 1090 महिलाओं के लिए हेल्पलाइन जारी है उसके बारे में जानकारी दी गई, आवाज़ दो अभियान एक नई श्रीमान उच्च अधिकारियों ने हेल्पलाइन चलाई गई उसके बारे में आवाज़ दी गई, एक सखी योजना है थाना स्तर पर जो गाँव की आंगनबाड़ी नर्स वगैरह इसमें नियुक्त की जाती है, उसको भी वो कोई शिकायत दर्ज करा सकती है, इसके बारे में जानकारी दी गई। आपका शुभ नाम? छोटूराम मेड कॉन्स्टेबल पुलिस थाना चित्ता। सर यहाँ पर हम बहुत कुछ देखा, मैं इसके बारे में देखा, हथियारों के बारे में देखा और जो जेल है उसके बारे में देखा, जानकारी भी ली। चितावा थाने में आपने पहले भी कभी थाने का यहाँ भ्रमण किया था या NCC कैडेट्स का? कैसा लगा यहाँ आकर? बहुत अच्छा लगा। और जानकारी जो बताई यहाँ के हेड कॉन्स्टेबल ने, यहाँ के पुलिस कर्मियों ने, क्या जानकारी बताई आपको? FIR कैसे, हथियारों के बारे में बताया था, FIR के बारे में बताया था, महिलाओं की जो हेल्पलाइन नंबर बताए थे। क्या नाम है आपका? सुमन मंजीवाल। आपका नाम? मंजीता कुमारी। आप बताएं। हमें यहाँ पर महिलाओं के अधिकार तथा महिलाओं के साथ जो अत्याचार रह रहे उसके बारे में बताया था, इसके लिए हमें हेल्पलाइन नंबर 1090 और थाने के नंबर 100 इन पे कॉल करने के बारे में बताया था। मैं यहाँ पर बताया गया कि FIR कैसे लॉन्च की जाती है और ट्रैफिक रूल्स क्या है और जब यहाँ पे हवालात में किसी को रखती है तो किस प्रकार रखा जाता है, ट्रैफिक रूल की क्या जानकारी बताई? ये बताया कि हेलमेट नहीं लगाते तो कितना जुर्माना होता है और 18 साल से पहले हमें ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए, सीट बेल्ट लगाना चाहिए। जैन सर, मैं 3 राज NCC गर्ल्स बटालियन जोधपुर से यहाँ
मारवाड़ केसरी और मारवाड़ पीजी कॉलेज को दोनों का कैंप अटेंड करने के 10 दिवसीय शिविर था ये, और इसके दौरान हमने बच्चों को हथियार और परेड के बारे में जानकारी दी, और जो बेसिक चीज़ें होती हैं बच्चों को हथियारों के बारे में जानकारी और उनके रिलेटिव, और इसी के दौरान हमने एक ट्रेकिंग का रखा था परसों, तो हम यहाँ सिया माता मंदिर है उसके वहाँ बच्चों का भ्रमण करवाया, और उसके बाद में ये लास्ट दिन था आज शिविर का, तो हमने थानाधिकारी से बात करके चितावा थाने में आए। इस दौरान हमारे साथ में रामेश्वर जी से ने और बजरंग जी ने बात करी कि भाई यहाँ बच्चों को एक भ्रमण करवा देते हैं जिससे बच्चों को जानकारी मिल जाएगी, तो इसी दौरान मारवाड़ पीजी और मारवाड़ केसरी के बच्चों को हमने चितावा थाने में थानाधिकारी से इंट्रोडक्शन करवाया। इस दौरान उन्होंने बच्चों को बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो ट्रैफिक रूल्स के बारे में हैं और हथियारों के बारे में जो इनके पास रहते हैं, कैसे रहते हैं हथियार और कैसे उनका इस्तेमाल करते हैं, और जो महिलाओं के अधिकार हैं, अगर आसपास में कोई ऐसी कोई कुप्रथा चल रही हो तो उसके बारे में जागरूक करके कंप्लेन नंबर हैं उस पर हमें बताने की, ये सारी जानकारी चितावा थाने के अधिकारी और यहाँ हेड कॉन्स्टेबल मुंशी छोटू राम जी ने हमें जानकारी दी। सबसे बड़ा मुद्दा आज भी महिला अत्याचार इतना बढ़ रहा है, उसके बावजूद जितने आप एनसीसी कैडेट्स तैयार करते हैं, प्रशिक्षण देते हैं, क्या ये ग्राउंड पर क्या इतना जागरूक कर पाते हैं महिलाओं को? इनको हम यही करते हैं कि आप एक समाज के लिए एक मोटिवेशन हो, आप एक समाज के लिए लीडर के तौर पे हम आपको तैयार करते हैं, तो आसपास में आपके जो अशिक्षित हैं जिनको जानकारी नहीं है, जो हम आपको बताते हैं कि क्या गलत है क्या सही है, उन चीज़ों को बता के आपके समाज में और आपके समाज में जो कुरीतियाँ हैं उनके बारे में लोगों को जानकारी देना कि ये कुरीति है, इसका गलत इस्तेमाल होता है, इससे बच्चों को परेशानी होती है, या जो भी गलत चीज़ें हैं उनके खिलाफ़ आवाज़ उठाने की और सही तरीके से उनको समझा के और एक सही रास्ता दिखाने की हम इनको ट्रेनिंग देते हैं, और इसी हिसाब से ये अपने समाज में और जाके मोटिवेशन देती है और बच्चियों को और महिलाओं को। थैंक यू सर।